जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो 2022 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं आपकी एग्जैक्ट एग्जाम डेट के बारे में और आपकी टाइपिंग टेस्ट डेट के बारे में, क्योंकि इसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। लास्ट वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट वर्क आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित बुक है। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पे बीएसएफ भर्ती के बारे में। तो आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि 6 फरवरी से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी मेन इंटेंशन थी कि आप किसी भी चीज में पीछे ना रहें और हर एक चीज आप सभी को एग्जैक्ट टाइम पे पता होना चाहिए। जब मुझे पता चला कि 6 फरवरी से आपकी टाइपिंग की बात चल रही है तो मुझे भी थोड़ा सा शॉक लगा कि अचानक से ऐसे कैसे टाइपिंग हो जाएगी। अगर ऐसे टाइपिंग हो जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसीलिए मुझे लगा कि आप सभी को अपडेट करना जरूरी है। लेकिन मैंने आप सभी को कहा था कि 100% कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा, तो फाइनली उसके बारे में पूरी तरह से अपडेट मिल चुकी है और मुझे क्लियर हो चुका है। आप सभी को बता दें कि जो 6 फरवरी से आपकी टाइपिंग की बात चल रही थी वो चल रही थी जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली हुई है उसकी, ना कि आपकी। यानी कि आप सभी को पता है बीएसएफ की जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी थी उसका रिटन एग्जामिनेशन पहले ही कंडक्ट हो चुका है और फिर उसके बाद उनका फिजिकल होने के बाद अब उनकी टाइपिंग 6 फरवरी से होगी। बट आपका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप सभी को क्लियर कर दें कि जब आपका 28 जनवरी को फिजिकल खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज में जो आपका होना है रिटन एग्जामिनेशन, इसकी डेट 12 मार्च निर्धारित की गई है और 12 मार्च को ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग की बारी आएगी। तो यानी कि जब तक आपको अपने रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग दोनों पे फोकस करना है, बस आपको टेंशन लेनी है कि 6 फरवरी से आपकी टाइपिंग होगी। तो एकदम 100% क्लियर है कि 6 फरवरी से आपकी टाइपिंग नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और मैं भी इस चीज से काफी सेटिस्फाई हुआ कि हाँ ये चीज एकदम से क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे भी काफी टेंशन हो रही थी इस चीज को लेकर कि अगर ऐसा होता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।